अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम आए हैं यहाँ कॉपियर जोन शॉप, यहाँ पर फारूक साहब होते हैं, तो ये फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर्स वगैरह का काम करते हैं। ये बिल्डिंग बिल्कुल, ये चर्च के बिल्कुल सामने है, ये हॉल रोड है और इस एरिया का नाम है पटियाला जोन, पटियाला पार्क मेरे ख्याल से। तो आए अंदर चलते हैं, आपको फारूक साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फारूक साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, तो ये आपकी शॉप की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ज़रा हमें बता दें। ये पटियाला ग्राउंड में फर्स्ट शॉप हमारी है। अच्छा, सही, पटियाला ग्राउंड में फर्स्ट शॉप। अच्छा, चर्च के बिल्कुल सामने, चर्च के बिल्कुल अपोजिट ना। अच्छा, ठीक है, ये बड़ा पुरानी है ये, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा बता दें आपका किन किन चीज़ों का काम है, आप क्या क्या चीज़ें? हम लोग बेसिकली फोटो कापी, प्रिंटर, स्कैनर, इसमें डील करते हैं। इसी तरह टोनर वगैरह होता है हमारा। अच्छा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अपनी कुछ इम्पोर्ट करते हैं बाहर से भी, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जी आते हैं, कुछ कैनेडा से माल आता है, कैनेडा से, अमेरिका से आ जाता है, जर्मनी से है। इसी तरह इसी पार्ट्स हम जो है मंगवाते हैं सिंगापुर से, ठीक है, और चाइना से ना, ठीक है। अच्छा, इसमें आप साइज़ वगैरह बता दें आपकी मशीन के, क्या साइज़ होते हैं और छोटी बड़ी में कैपेसिटी वगैरह का हिसाब होता है कि फोटोकॉपी में जिस तरह? नहीं नहीं, फोटोकॉपियर तो जो मेन फोटोकॉपियर होता है उसमें A3 साइज ही होता है, फुल साइज A3। उसका ये होता है कि फ़र्क होता है रेट वाइज और उसकी क्वालिटी वाइज और उसकी कैपेसिटी वाइज के पर डे क्या कितनी कॉपी होती है। इनकी प्राइस कहाँ से शुरू हो रही है? कॉपी की प्राइस शुरू हो जाती है तकरीबन 35,000 से। 35,000 से ये यूज कॉपियर की बात कर रहा हूँ, यूज में, हाँ यूज में ये जाती है 260 तक। और अगर न्यू हम लेते हैं तो न्यू शुरू हो रही है 95,000 शुरू होकर तकरीबन कोई 1 मिलियन तक से भी ऊपर, 1.5 मिलियन। ठीक, उसके अलावा आपके पास प्रिंटर वगैरह भी होते हैं? हाँ, प्रिंटर भी हमारी लाटी आती रहती हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रिंटर, रिकॉल, HP, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। प्रिंटर में प्राइस कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है आपकी? प्रिंटर में शुरू हो जाता है 8,000 रुपये से, ठीक है, मिनिमम ना 8,000 रुपये से। वो ब्लैक एंड वाइट होता है या कलर? नहीं, ब्लैक एंड वाइट, कलर महंगी है प्रिंटर, ठीक है। कलर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? कलर स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन 14,000 से ना, 14,000 से कलर्स स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये टोनर के बारे में बताएं आप ज़रा। ये इन्हीं मशीनों के पार्ट्स होते हैं, जैसे कलर ठीक हो गया, ये ब्लैकमेंट मशीन पर बने रहे, जैसे ये मशीन पड़ी है इसी का, ये टोनर पर पड़े हुए MCUD से, मुख्य मॉडल पड़े हैं, मॉडल वाइज होते हैं टोनर। अच्छा, मॉडल वाइज कौन सी मशीन में चलती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आप कर रहे हैं प्रिंटर्स और हमारे रिलेटेड जो है ना ऑफिस ऑक्यूमेंट्स में मैक्सिमम ये ना प्रिंटर्स लाइन हमारी बेस्ट है, इसी की सप्लाई भी होती है, इसी की रिपेयर भी हम करते हैं, ठीक है, बैकअप होता है, एक साल की सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। तकरीबन इनमें जो न्यू मशीन है। अच्छा, और इंक का बताया तो इनमें इंक की क्या हिसाब? अच्छा, इंक जो होती है ना इसको, इसमें टोनर्स चलते हैं ज़्यादातर ना, हम लेज़र में काम करते हैं तो लेज़र में टोनर, इंक को ही टोनर कहा जाता है बेसिकली, वो हम वो इसकी पाउच में आता है, पाउच हर मशीन का अलग-अलग होता है जिसमें होता है। टोनर की क्या प्राइस है? टोनर की प्राइस के बारे में, टोनर तकरीबन 1,000 रुपये से शुरू होता है, ठीक हो गया, और तकरीबन जाता है 25,000 से 30,000 रुपये तक, ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांड वाइज, ठीक है। इनमें ब्रांड्स वगैरह जी जी जी, यानी जो कंपनी प्रिंटर भेज रही है वो अपने टोनर भी बनाती है? हाँ जी हाँ जी, वो कंपनी अपने भी होते हैं, तो बेहतर है कि प्रिंटर के मुताबिक उन्हीं का टोनर भी यूज़ किया जाए, बेहतर यही होता है, लेकिन दूसरी कंपनियाँ भी काफ़ी अच्छी, चाइना की कंपनी काफ़ी हो चुकी हुई है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो अपने ब्रांड के हिसाब से वो टोनर, ठीक। और बताइएगा ज़रा आप कितने अरसे से यहाँ पर है आपका काम? यहाँ पे मैं वैसे इस फील्ड में हूँ तकरीबन कोई 18 ईयर से ना, 18 ईयर्स तकरीबन, कोई 3 ईयर ये वाला सेटअप हो गया, इससे पहले जो पुराना सेटअप था। अभी आपका एक ही सेटअप है या और भी है? नहीं, अभी सेटअप तो एक ही है, लेकिन ये एक स्टोर वगैरह है, दो स्टोर। अच्छा, ये डिलीवरी का बता दें, जिस तरह कोई दूसरे शहर में है तो आप डिलीवर वगैरह करवा देते हैं? डिलीवरी ऑल ऑफ द पाकिस्तान टोटल है हमारे पास है, TCS को यूज़ करते हैं ज़्यादा, TCS को ज़्यादा, अगर कोई आम हल्की चीज़ें होती हैं तो TCS का केयर चले, TCS हो गया, लेपर्ड वगैरह 2-3 हैं, न्यू खान वाले हैं, इनको भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये इनका बताइएगा कि जो मशीन फोटोकॉपी की मशीन जो स्टार्ट हो रही है मिनिमम, वो कितने प्रिंट्स एक दिन में निकालने की कैपेसिटी रखती है, मतलब ओवरऑल वो कितने प्रिंट्स? देखिए ना, मैं 1000 कॉपी आराम से निकाल रही हूँ, मिनिमम कॉपी 1000 to 1500 कॉपी, 1500 कॉपी, ठीक है। जो हैवी ड्यूटी होती है वो 10,000 भी निकाल देती पर डे, ठीक है। तो और इनमें फिर ये जो टोनर वगैरह ये ज़्यादा यूज़ होते होंगे? हाँ जी हाँ जी, जितना टोनर ज़्यादा रुपये जैसी कैपेसिटी है, और कॉस्ट भी होती है उस हिसाब से, कुछ मशीनों की कॉस्ट ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। चलें ठीक है, तो आप अपना नंबर वगैरह शेयर कर दें।
चलें इनका आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और ये 18 साल से हैं यहाँ पर, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कर सकते हैं और हम हमारी टीम से भी आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम का भी कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमारे थ्रू आएंगे आप तो आपको ज़रूर ये प्रेफरेंस देंगे, तो डिस्काउंट भी दे देंगे। देख लिया मैंने कह दिया, तो थैंक यू सो मच, आप सभी के बहुत खुशी हुई है, तो थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसन। एहसन, एहसन भाई आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? यहाँ दो से तीन साल हो गए। आप सेटिस्फाई हैं? जी, बहुत अच्छा काम है यहाँ पर, ठीक हो, हर चीज़ की सहूलत मिलती है, हर चीज़। अच्छा, आप हमें बताएं कि इधर जो किसी का सामान अगर कुछ ख़राब हो जाता है जी, तो वो आता है तो बिल्कुल वो सेटिस्फाई होता है? हाँ जी, बिल्कुल सेटिस्फाई होता है, उसको ओके करके हम भेजते हैं। अगर कोई मसला आता है तो फिर भी हम उनके पास जाके करके आते हैं, ठीक हो गया।